बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर रविवार दोपहर हमला हो गया। स्विफ्ट कार में आए 5 हमलावरों ने काफिले पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इसमें 5 लोगों को गोलियां लग गई हैं। 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें हायर सेंटर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। हमले के बाद आरोपी अपनी कार छोड़कर भाग निकले। हाजी यूनुस रविवार दोपहर बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के गाँव भाईपुरा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। यह गांव बुलंदशहर में शिकारपुर बाईपास के पास पड़ता है। समारोह से लौटते वक्त स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने पूरे काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हाजी यूनुस आडी कार में बैठे हुए थे। इस कार पर 20 से ज्यादा गोलियों के निशान है। हाजी यूनुस के हाथ में गोली लगने की खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल 3 घायलों को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में लाया गया है, जबकि 2 को दिल्ली रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में हाजी यूनुस के समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। हाजी यूनुस बुलंदशहर सीट से बसपा विधायक रहे हाजी अलीम के भाई हैं। कुछ साल पहले हाजी अलीम की अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। इसकी जाँच CBCID कर रही है। एक दिन पहले ही हाजी यूनुस बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए हैं। गोलियों के निशान देखकर प्रतीत हो रहा है कि बदमाश हाजी यूनुस की हत्या करने के लिए ही आए थे। खालिद शादाब अफजल शमी आलम और राशिद को गोलियां लगी हैं। इसमें 2 लोगों को दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि 3 लोगों का इलाज बुलंदशहर के जिला अस्पताल में चल रहा है। SSP संतोष कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर स्विफ्ट कार के अलावा 3 बाइकों पर भी थे। दोनों हाथ में पिस्टल थी। वह दोनों हाथों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। हाजी यूनुस के साथियों का कहना है कि हमलावरों के निशाने पर सिर्फ सफ़ेद रंग की आडी कार थी। इस आडी में यूनुस बैठे हुए थे। आडी में बैठे हुए करीब 3 लोगों को गोली लगी है। इसमें 1 ड्राइवर और 1 प्राइवेट गनर है। हाजी यूनुस के कुर्ते पर खून के निशान है। हालांकि यूनुस का कहना है कि उन्हें गोली नहीं लगी है।